हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में पर्ण की संरचना की बात करेंगे। पर्ण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। एक पत्ती की संरचना की बात करेंगे कि पर्ण क्या है। प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से समझेंगे कि पर्ण क्या है। ये आप पर्ण देख रहे हैं, पौधे की पर्ण है, और इस पर्ण में कौन कौन से भाग हैं, यानी पर्ण पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है, अर्थात इसका निर्माण तने पर परवसंधि से होता है। ये पर्ण आप देख रहे हैं, ये एक स्टेम है और इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो देखेंगे। स्टेम के ऊपर ये तना है, सबसे पहला पर्ण में ये भाग होता है जिसे बोलते हैं पर्णाधार। पर्णाधार, पर्ण की संरचना में तीन मुख्य भाग होते हैं। नंबर एक पर्णाधार। पर्णाधार क्या है? लीफ बेस। लीफ बेस जो आप डायग्राम में देखेंगे, ये पर्णाधार है। यहां जो आप देख रहे हैं ये पर्णाधार है, अर्थात पर्ण का वह भाग जो तने पर परवसंधि से बाहर निकलता है, ये पर्णाधार का पर्ण का आधार, इसे पर्णाधार बोलते हैं। एकबीजपत्री पौधों में जो पर्णाधार होता है वो चपटा पतला फैला हुआ होता है, जो आंशिक रूप से पर्णों को क्या करता है, ढकता है। जैसे केले के पौधे में जो आच्छादित प्रकार का पर्णधार पाया जाता है, आच्छादित प्रकार का पर्णधार पाया जाता है। ये संरचना जिसे बोलते हैं पर्णग्रंथ, पर्णग्रंथ पेटियोल। पर्णग्रंथ क्या है? लिप में भी आप देखेंगे ये पर्णग्रंथ है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक की जो संरचना है इसे पर्णग्रंथ बोलते हैं, अर्थात यह पर्ण का एक डंठल नुमा भाग होता है जो तने पर शाखा से जुड़ा होता है, जिसे पर्णग्रंथ कहा जाता है। जिन पत्तियों में पाया जाता है उन्हें सेवरंथ बोलते हैं, कि जिनमें ये उपस्थित होता है उन्हें सेवरंथ बोलते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें एवरंथ बोलते हैं। जैसे आप आम है, पीपल है, बरगद है, उनमें जो पत्तियां होती हैं सेवरंथ प्रकार की पाई जाती हैं। इसी प्रकार से बांस गन्ना है, उनके अंदर एक प्रकार से पत्तियां होती हैं जो सीधी तने से जुड़ी हैं, यानी एक प्रकार से वो कैसे होते हैं एवरंथ, यानी उनमें एवरंथ होती हैं। आम पीपल आदि हैं, इनमें एक प्रकार से कैसे होते हैं सेवरंथ। ध्यान रहे, इसके बाद में नंबर एक पर्णाधार था, नंबर दो पर्णग्रंथ। इसके बाद में नंबर तीन यदि हम बात करें पर्णफलक, लामिना। पर्णफलक क्या है? यह पर्ण का चपटा पतला हरा भाग जो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला पूरा जो एरिया है ये पर्ण फलक है। ये हरे रंग का है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, चपटा पतला फैला हुआ भाग इसे पर्ण फलक बोलते हैं। इसकी जो कोर होती है, इस कोर को इसे कहा जाता है फलक कोर, फलक कोर के नाम से जानते हैं। ये फलक कोर है जिसे बोलते हैं लीफ मार्जिन। ये लीफ मार्जिन है, इसके शीर्ष भाग को कहा जाता है
पण शिकाग्र, पण शिकाग्र, लीप अपेक्स, इसे कहा जाता है लीप अपेक्स, ये वाला बाल है, यानी ये पण शिकाग्र होता है और इसकी ये वाली है, इसको फलक पोर बोलते हैं, लिप मार्जिन बोलेंगे। इसके साथ ही पर्ण फलक के मध्य में मिड रिब पाई जाती है, जिसे कहा जाता है मध्य सिरा, मिड रिब है जिसे बोलेंगे मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। इससे पार्श्व में अनेक क्या निकलती है, सिराएं निकलती हैं, ये सिराएं हैं तथा ये आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है सिरिकाएं, ये सिरिकाएं हैं। ये सिरिकाएं हैं अर्थात मध्य सिरा, सिराएं और सिरिकाएं मिलकर पर्ण का कंकाल बनाती हैं, अर्थात जिससे एक पर्ण फलक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये वाला पूरा पार्ट है, ये पर्ण फलक है। तो एक पर्ण की संरचना में तीन भाग है, नंबर एक पर्णाधार, जो पर्ण का आधार है, जहाँ से पर्ण होगी, जो पर्व संधि से जुड़ती है उसे पर्णाधार बोलते हैं। नंबर दो पर्ण ग्रंथ, ये वाला पार्ट है, इसे पर्ण ग्रंथ बोलते हैं, यानी ये डंठन हुआ भाग होता है, ये पर्ण ग्रंथ है और ये वाला पूरा एरिया है, इसे पर्ण फलक बोलते हैं। ध्यान रहे, ये वाला भाग है, इसे पर्ण फलक बोलते हैं। यह भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, अर्थात पत्तियां अपना क्या बनाती है, भोजन बनाती है। तो ये पर्ण है जो पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इससे आगे हम इसी पर्ण का शिलान्यास की बात करेंगे, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।